एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठ जाती है कि लोग बिना पैसे दिए फल ना ले जा पाए। एक दिन हरिया काका उनके यहाँ आता है। पीलू, तुम्हारी दुकान में ड्रैगन फ्रूट है क्या? हरिया काका, ये लीजिए ड्रैगन फ्रूट, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है लेकिन महंगा है। स्वादिष्ट तो होता है लेकिन फायदेमंद भी बहुत होता है। कोंडो गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल ईमानदार कबूतर था, लेकिन वो जो भी काम करता था लोग उसका फायदा उठाकर उसे नुकसान पहुंचाते थे। बबलू एक बार किराना दुकान खोला तो गांव के लोग उसे उधार में चीजें खरीद लेते हैं और फिर उसको कभी भी पैसा वापस नहीं करते हैं। इस वजह से उसे दुकान बंद करनी पड़ गई। फिर बबलू ट्रैवल का बिजनेस शुरू किया, लेकिन गांव वाले उसे लिफ्ट मांगते थे और मुफ्त में ही जगह जगह ट्रैवल कर लेते थे। अपने सीधेपन के कारण वो किसी से पैसे भी नहीं मांगता था। लोग उसकी बस में बारात लेकर भी जाने लगे। इस तरह से उसका ट्रैवल का काम भी ठप पड़ गया। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था, तब पीलू उसके पास आके बोली, क्या हुआ जी, आप इस तरह से परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती ही हो पीलू, मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा आज तक नुकसान ही होता आया है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि मेरा इतना नुकसान क्यों होता है। आपको इसलिए नुकसान होता है क्योंकि आप बहुत सीधे साधे हो। इन गांव वालों ने आपके भोलेपन का बहुत फायदा उठाया है। आप उधार में चीजें देते गए, कोई और दुकानदार ऐसा नहीं करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। तुम सही कह रही हो पीलू, मैं अब एक आखिर बार एक काम शुरू करने की सोच रहा हूँ, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूँगा। नहीं जी, शहर नहीं जाएंगे, यही कुछ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों बाद बबलू पीलू से कहता है, पीलू मैं बाजार घूमकर देख रहा था कि कहाँ क्या मिलता है। मैंने पाया कि हमारे गांव में फलों की दुकान तो है ही नहीं, गांव वाले पड़ोस के गांव से फल खरीद कर लाते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं फलों की एक दुकान लगा दूँ। ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इस बार आप किसी को उधार नहीं दोगे। नहीं नहीं, अब मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा रहा हूँ, इसको मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर जल्द ही बबलू अपनी फलों की दुकान खोल लेता है, लेकिन बहुत से गांव वाले अभी भी उसे बिना पैसे दिए फल ले जाते थे। एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठ जाती है कि लोग बिना पैसे दिए फल ना ले जा पाए। एक दिन हरिया काका उनके यहाँ आता है। पीलू, तुम्हारी दुकान में ड्रैगन फ्रूट है क्या? हरिया काका, ये लीजिए ड्रैगन फ्रूट, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है लेकिन महंगा है। स्वादिष्ट तो होता है लेकिन फायदेमंद भी बहुत होता है। और रही बात कीमत की, तो सेहत से बढ़कर क्या कीमत है। अभी मौसम बदलने वाला है और ये इन्फेक्शन से बचाएगा, मुझे ये 5 किलो दे दो। हरिया के जाने के बाद सुनिए जी, हरिया काका क्या कह के गए हैं कि इन्फेक्शन होने का डर है मौसम बदलने से। हाँ, अगर ऐसा होगा तो ड्रैगन फ्रूट से लोगों को इन्फेक्शन होने से बचाया जा सकता है। इसका मतलब हम और ड्रैगन फ्रूट बेच सकेंगे। देखो, गांव वाले ऐसे ही इसे नहीं खरीदेंगे, हम क्यों ना फ्रूट सलाद बनाकर बेचें। कुछ ही दिनों में लोगों को इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और हरिया काका सबको ड्रैगन फ्रूट खाने की सलाह देता है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में लोग इकट्ठा होने लगते हैं। सुनिए, मैं आप लोगों को अब से मुफ्त में या उधार में कुछ नहीं दूंगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैसे देकर फ्रूट सलाद लो। बबलू की बात सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर इन्फेक्शन से बचने के लिए वो बढ़ चढ़कर पैसे देते हैं। इस तरह से लोगों की सेहत भी सुधारने लगती है और लोग अब सबक ले लिए कि कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं आती। फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो गए और बबलू ने सुपर स्टोर शुरू किया। अब से गांव वाले उससे पैसे देकर ही सामान लेते थे। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। मम्मी पापा, हम कहीं जा रहे हैं क्या? मम्मी, हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तो उनके पास आ जाओ, इसलिए हम आज ही गाँव के लिए निकल रहे हैं।
सर्दियों का मौसम चल रहा था। बिहू हिरन और चुनू बालू के स्कूल की भी छुट्टियां पड़ रही थी। वो दोनों दिन भर खेलते ही रहते थे। उनके साथ उनकी सोसाइटी के बच्चे भी खेलते रहते थे। एक दिन जब वो बाहर से खेलकर घर में आए तो उन्होंने देखा कि उनके मम्मी पापा कपड़ों को बैग में पैक कर रहे हैं। तो इस पर दोनों को उत्सुकता हुई, इसलिए दोनों ने एक साथ पूछा, मम्मी पापा हम कहीं जा रहे हैं क्या? मम्मी, हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तो उनके पास आ जाओ, इसलिए हम आज ही गांव के लिए निकल रहे हैं। ये सुनते ही दोनों खुशी से झूम उठे। ये हम नानी के पास जाएंगे, बहुत मजा आएगा। दोनों ने जल्दी जल्दी से अपना अपना बैग पैक किया और ट्रेन को पकड़कर नानी के गांव आ गए। वो जैसे ही नानी के घर पहुंचते हैं वैसे ही नानी बाहर निकल कर आती है और पीहू और चुन्नू को गले से लगा लेती है। अरे मेरे बच्चों, आ जाओ, अरे कितने बड़े हो गए हो तुम तो, आ जाओ चलो अंदर चलो, तुम्हारे मौसा मौसी मामा मामी इंतजार कर रहे हैं, चलो चलो। वो जैसे ही घर के अंदर आते हैं वैसे ही पीहू और चुन्नू के मामा मामी और मौसा मौसी उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? पिछली बार आए थे तो कितने छोटे थे, अब देखो कितने बड़े हो गए हो। देख पीहू, तेरी मौसी तेरे लिए क्या लाई है, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है, थैंक यू मौसी। पीहू और चुन्नू को भी बहुत अच्छा लग रहा था, उन्होंने सबको नमस्ते की। कुछ देर बाद वो अपने खेत पर पहुँचते हैं जहाँ खन्ने की फसल लगी हुई थी। मामा जी मुझे गन्ना खाना है, एक गन्ना दो ना। अरे क्यों नहीं मेरी लाडो रानी, रुको मैं अभी तोड़ कर देता हूँ। मामा दो गन्ने तोड़कर पीहू और चुन्नू को देते हैं। दोनों बड़े ही मजे से गन्ने का लुत्फ उठाते हैं। उसके बाद वो सरसों का खेत भी देखते हैं। मौसी जी ये सरसों के फूल तो बहुत सुंदर है, मैं एक फोटो खिंचा लूँ? क्यों नहीं, जरूर आओ मैं तुम्हारी फोटो खींच देती हूँ। मौसी दोनों की फोटो खींचती है। तभी वो देखते हैं कि पास ही के खेत में कुछ गायें और भैंसे घास चर रही हैं। ये नजारा उन्हें और लुभाता है और वो आगे बढ़कर उन्हें चारा देते हैं। खेत को घूमने के बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। रात भी हो जाती है, ठंड अब और बढ़ने लगती है। नाना जी यहाँ पर बहुत ठंड है, मुंबई में तो इतनी ठंड नहीं पड़ती, कुछ करो ना, क्योंकि बच्चों वहाँ पर खेत खलिहान और पेड़ पौधे इतने नहीं हैं जितने यहाँ हैं, इसलिए यहाँ ठंड भी ज्यादा पड़ती है। पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी आग जला देता हूँ। नाना जी लकड़ियों को इकट्ठा कर उन्हें जला देते हैं। तभी लाइट भी चली जाती है। ओ अब लाइट भी चली गई नानी जी, पूरे घर में तो अंधेरा छा गया है, अब क्या करेंगे? मैं अभी लालटेन जला देती हूँ। नानी लालटेन जलाकर ले आती है। उसके बाद पीहू और चुन्नू का सोने का समय आ जाता है, पर वो अपने मम्मी पापा के पास ना सोकर नाना नानी के पास सोते हैं। नानी जी कहानी सुनाओ ना, मुझे ना आपकी कहानी सुननी है, वो जो हम पिछली बार आए थे तब आपने कहानी सुनाई थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, प्लीज वही वाली कहानी सुनाओ ना। कौन सी वाली बेटी, मुझे याद नहीं है, तुम बताओ तो मैं सुना दूं। वही नानी, वही वो कौवे वाली, वो प्यासे कौवे वाली जो आपने सुनाई थी। ओहो वो वाली कहानी सुननी है तुम्हें, अजी तुम ही सुना दो ना इन्हें। अरे तुम ही सुना दो भाग्यवान। नानी कहानी सुनाना शुरू करती है। दोनों नाना नानी के बीच लेटे हुए थे और कहानी का लुत्फ उठा रहे थे। कहानी सुनते सुनते दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं और सो जाते हैं। सुंदर जंगल में शेरा का बहुत आतंक था। सभी जानवर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू हमेशा अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचा लेता था, लेकिन वो हमेशा दूसरे छोटे जानवरों की मदद करता था। इस वजह से सभी जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिंकू जंगल में टहल रहा था, तभी उसे छोटू और उसकी पत्नी दिखाई दिए। छोटू भैया, छोटी भाभी, कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं रिंकू, हम तो ताजी घास और फलों की तलाश में आए हैं। यहाँ की घास तो बहुत हरी भरी है, हम तो सोच रहे थे कि यहीं पास बस जाए। आप लोग क्या शेरा के बारे में नहीं सुने हो? ये उसी का इलाका है, अगर उसने आप दोनों को देख लिया तो आपकी खैर नहीं। शेरा तो बहुत ही क्रूर है। तभी वहाँ शेरा का
दहाड़ने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। सुनिए जी, ये तो शेरा की दहाड़ है, अब क्या होगा? आप दोनों उस पेड़ के पीछे से भाग जाओ। और फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के पीछे से भाग जाते हैं। रिंकू खरगोश, यहाँ पर दो जानवर आए थे, मैं उनका शिकार करने आया हूँ, क्या तुमने उन्हें देखा है? जी शेरा जी, मैंने उन्हें उस रास्ते से जाते हुए देखा। रिंकू शेरा को दूसरी तरफ इशारा करके भेज देता है। छोटू और छोटी रिंकू के पास आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रिंकू भैया। अब आप दोनों यहाँ पर घास खाकर जल्दी से चले जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घास खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन वही दोनों उस घास के मैदान के पास एक तालाब में रिंकू को मिल जाते हैं। छोटू भैया, छोटी भाभी, आप दोनों के जाने के बाद शेरा फिर से आया था और मुझे धमका कर गया है कि अगर अगली बार उसको उसके शिकार का सही पता नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली भैया, आपका बहुत धन्यवाद। दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। तो शेर वहाँ पे आकर कहता है, रिंकू तू, मुझे यहाँ और भी जानवरों की आवाजें आ रही थी, तू किससे बात कर रहा था? जरा बताना मुझे, मेरी धमकी याद है ना? अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा तो आज तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। रिंकू बहुत डर जाता है, वो सोचने लगता है, शेरा बहुत ताकतवर है और इससे हर बार झूठ बोलने का एक ही मतलब है कि इसकी दावत बन जाना। अब मैं क्या करूं? मेरी भी जान खतरे में है, सच कहूंगा तो पति पत्नी मारे जाएंगे, झूठ बोला तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन आखिर हम सब कब तक इस शेरा से डर के रहेंगे? सोच क्या रहा है, जवाब दे। शेरा जी, मैं पानी से बात कर रहा था, आप भी बात करके देख लो। पानी से? पानी में क्या है? आप ही देख लो, उसमें शायद आपको शिकार करने के लिए कोई मिल जाए। शेरा पानी में झांक कर देखता है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। रिंकू इशारों से छोटू और छोटी को बुलाता है। ध्यान से आगे जाकर देखो शेरा जी, आपका शिकार है वहाँ। शेरा जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है, तभी उसे पीछे से रिंकू और छोटू छोटी धक्का दे देते हैं और उसको तालाब में गिरा देते हैं। मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ। शेरा डर के कारण चिल्लाने लगता है, उसकी आवाज़ सुनकर बहुत से जानवर आते हैं। शेरा, तुम सबको डराते हो, अपनी ताकत का तुम्हें बहुत घमंड है, अगर तुम हम सबको तंग करना छोड़ोगे तभी तुम्हें बचाएंगे। इसको मत बचाओ रिंकू। नहीं छोटू भाई, पूरे जंगल के सामने ये मदद मांगकर साबित कर चुका है कि इसको भी डर लगता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तंग नहीं करूँगा। और फिर सबके सामने रिंकू रस्सी फेंक कर शेरा को बचाता है। शेरा शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और पूरे जंगल में अब रिंकू की सूझबूझ की तारीफ होने लगती है। इसी तरह से रिंकू इतनी मुश्किल में भी अपनी हिम्मत और होशियारी से मुसीबत खत्म करने में कामयाब होता है।